हम लोग प्लेन कपड़ा बनाने के समय में ही रुक रुक करके उसमें बूटी डालते हैं, उसी कला को बाउंड बूटी कला कहा जाता है। उसी में और ज्यादा अच्छा से अच्छा निखार लाने का प्रयास किए, उसी के प्रश्न में ये पद्मश्री पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया। बाउंड बूटी जो कला है इसके माध्यम से इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और ये बिहार की नालंदा की भूमि को और भी गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो कला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है सर? ये भी पर्दा है। पर्दा है, हाँ, बड़ा बैनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा सा एक हिरन है, क्या ये? नहीं, बैल है। अच्छा, बैल है। बैल का यहाँ पे डिजाइनिंग किया गया अब बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ हाथों से एक कला है, इसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये हमारे साथ ये नालंदा जिला के वसवन बिघा के ये हमारे पास कपिल देव प्रसाद जी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि किस तरीके से आप कौन से कला को इतने अच्छे लेवल पे लेकर गए कि आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया? हम लोग प्लेन कपड़ा बनाने के समय में ही रुक रुक करके उसमें बूटी डालते हैं, उसी कला को बाउंड बूटी कला कहा जाता है। उसी में और ज्यादा अच्छा से अच्छा निखार लाने का प्रयास किए, उसी के प्रश्न में पद्मश्री पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया गया। तो जिस तरीके से ये कला विलुप्त होते जा रहा है, फिर भी आप लोग इस महंगाई के दौर में प्रॉफिट कहें तो मार्केट इसका काफी डाउन हो गया। पहले बहुत ज्यादा बिक्री होता था, लेकिन अब तो ये सब पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े बड़े फैक्ट्री लग गए हैं और ये हैंडलूम का तो कहानी मतलब कहें तो पूरा पूरा विलुप्त होते जा रहा था। और इस तरीके से आपने किस तरीके से परिवार को चलाया, क्योंकि एक आप जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई बड़े फैमिली से नहीं, गरीब परिवार से हैं, और किस तरीके से परिवार का पालन पोषण किए और इस कला के माध्यम से ही अपना जीवन यापन पूरी तरीके से जीवन यापन भी व्यतीत कर रहे हैं और साथ में आप इसके लिए चयनित भी हो गए पद्मश्री अवार्ड के लिए। जिस समय आपको कॉल आया तो किस तरीके से अनुभव हुआ कि आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? देखिये, बचपन से जो इसी में रहे ना, बाबूजी के साथ मूर्ति बनाने के लिए सीखे, चाचा के साथ, तो फिर दूसरे के बारे में वो आमदनी हो नहीं हो, दूसरे काम के बारे में कभी हम सोचे भी नहीं किए, इसी की वजह से इसी में लगे रह गए। और कुछ ऐसा ऐसा कुछ करते रहे और लोगों से संपर्क बढ़ते गया, अच्छे लोगों से, जैसे उपेंद्र महाथी की एक बेटी हैं महाश्वेता महाथी, उनके माध्यम से कुछ लोग नए नए ग्राहक तलाशने में वही मदद किए जिनको पसंद आया। तो इसके वजह से मैंने ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत आमदनी हुआ, लेकिन खाने पीने की कमी नहीं हुई। खाने पीने की कमी नहीं हुआ। और जिस तरीके आपको जब पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया तो कैसा लगा उस समय आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या? जब वहां से फोन आया दिल्ली से, कल श्री प्रकाश जी ज्वाइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री से फोन आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 6 लोग हैं हम लोग अभी। 6 लोग हैं। और किस तरीके कौन सा जो कला है जो कि आप ये कपड़े में बाउंड बूटी कला जो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए संक्षिप्त में, जिसके बारे में लोग जाने कि इस कला के माध्यम से इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। ये सब जो बूटी है इसी को बाउंड बूटी कहते हैं। ये बूटी डाला हुआ है जो देख सकते हैं आप, ये प्लेन कपड़ा है लेकिन ये बूटी हो गया, ये जो बूटी इसमें जो डिजाइनिंग किया गया सब बूटी कहते हैं हम लोग, और उसी बूटी के माध्यम से आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए भी चयनित किया गया। इसके ऊपर पत्ता है, कई तरह का है, देखिए तरह है, ये अलग है, ये अलग है। और तो बना है या फिर हाथों से बना है? हैंडलूम पर, हाथ से, हैंडलूम से आप लोगों ने हाथ से बनाया है इसे? हाँ, देखिए। सबसे पहले तो सर बताइएगा जो आप ये जो कपड़ा दिखा रहे हैं हमें, ये जो पानी पर्दा है, पर्दा है ये, पर्दा आप लोगों ने हाथ से बनाया या कोई मशीन का भी इस्तेमाल किए हैं? नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं, केवल हैंडलूम है, हैंडलूम में थोड़ा सा लकड़ी का कुछ रहता है, इसमें चटल होता है, उसी के माध्यम से बनाते हैं। चलिए हम फैक्ट्री विजिट भी करेंगे कहाँ पे ये बनाते हैं। उससे पहले कि आपको हम बता दें, ये जो आप पर्दा देख रहे हैं ये हाथों से बनाया हुआ पर्दा है और इसकी कीमत भी मिलना चाहिए और इसकी अब जो है लोग डिमांड भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने मशीनरीज है इसके हम कहें तो बायकॉट भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता तो होता है लेकिन हमारा जो कला है ना विलुप्त होते जा रहा है, हम लोगों को बढ़ावा देने का चाहिए। और जिस तरीके से हम बात करें, ये जो आप दिखा रहे हैं ये जो पर्दा है इसमें बहुत सारे कलर किया गया है और यहाँ पे एक और भी, ये बेडशीट है क्या? हाँ, ये बेडशीट,
ये बेडशीट है और इसपे मशीन बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, आदमी बना हुआ है। ये डिजाइनिंग आप खुद करते हैं? नहीं, ये डिजाइन उपेंद्र माथी जी का है। और ये बनाते आप हैं? जी, इसे आप निखारते आप हैं। और ये कपड़े पर उतारने का काम, जब ये कपड़ा बनता है उसी समय ये डिजाइनिंग किया जाता है, उसी में रुक रुक डाला जाता है। चलिए, आपने देखा किस तरीके से बूटी का डिजाइनिंग होता है और इसके माध्यम से ये कपड़े को और अच्छा लुक प्रदान करते हैं, अच्छा दिखता भी है। और इस तरीके से इन्हें बावन बूटी के जो कला है इसके माध्यम से इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और ये बिहार की नालंदा की भूमि को और भी गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो कला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है सर? ये भी पर्दा है। पर्दा है, बड़ा बैनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा सा एक हिरन है, क्या ये? नहीं, बैल है। अच्छा, बैल है। बैल का यहाँ पे डिजाइनिंग किया गया अब बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ हाथों से एक कला है, इसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हम कहाँ पे बनाते हैं वो दिखाइएगा, दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इन्होंने कला को बचा के रखा है और इसे विलुप्त नहीं होने दिए है। इस तरीके से यहाँ पे बूटी बनाया जा रहा है। ये जो आप जो धागे देख रहे हैं ब्राउन कलर का, इस कलर के इस धागे से बूटी बनाने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 बूटी एक लाइन में बनाए जाएंगे इस तरीके से आप देख रहे हैं। और